हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक गुरनानी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा नाम है दीपक गुरनानी और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मोबाइल नंबर भी यही है 9924699903। मैं आज के लेक्चर में जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो प्योरली लॉगरिथम की कैलकुलेशन है। लॉगरिथम लॉग एंड लॉग कैसे निकालते हैं, लॉगरिथम की कैलकुलेशन कैसे होती है, कहाँ पे काम आता है, कितने इसके फायदे हैं मैथमेटिक्स में, वो सब मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैं आपको कैलकुलेटर भी दे दूँ, और मैं आपको बोलूँ कि 27 raised to 9/2 कितना होता है, तो आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर पे 27 raised to 9/2 नहीं कर सकते हो। इंजीनियरिंग वाला जो कैलसी आता है, साइंटिफिक कैलसी आता है, उस कैलसी पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कैलसी पे फोर फंक्शन कैलसी जिसको बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उस पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं आपको बोलूँ 27 raised to 9/7 तो ये हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। लॉगरिथम में अगर आप लोगों को लॉग एंटी लॉग के सारे रूल्स मालूम है तो ये सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसको 3 या 4 स्टेप्स में हम इसको खत्म कर सकते हैं लॉगरिथम पे। तो लॉगरिथम का एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से, पहली स्टेप से लेकर मैं शुरू करता हूँ कि लॉग करते कैसे हैं। अब लॉगरिथम करने के जो रूल्स हैं और एंटी लॉग, लॉग करने के बाद एंटी लॉग करना कंपलसरी होता है, एंटी लॉगरिथम फाइंड करने के रूल्स क्या हैं वो मैं धीरे धीरे यहाँ पे बताते जाऊँ। सबसे पहले लॉगरिथम, लॉगरिथम में एक नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसका लॉगरिथम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल से पहले वाला नंबर, डेसिमल से पहले वाला एक नंबर हम फाइंड आउट करते हैं और डेसिमल के बाद वाला नंबर। धीरे 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 मैं सारी बातें बताते जाऊँगा कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे होता है, उसका एंटी लॉग कैसे होता है। अब डेसिमल प्लेस से ये समझ लो कि हर एक क्वेश्चन में आंसर में डेसिमल पॉइंट जरूर होगा। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ऐसे लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है, मैं ये कैरेक्टरिस्टिक के रूल्स बता रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। ये -1 आपको करना ही पड़ेगा। मेरे पास ऐसी ऐसी भी ट्रिक्स हैं कि ये जो पूरी लॉग बुक है बिना लॉग बुक के अंदर देखे ये सारे नंबर्स हम नॉर्मल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है तो। तो ये पूरी लॉग बुक कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाती है, इस लॉग बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली 1 to 10 के बच्चे होते हैं, 1 to 10 के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, उन लोगों को लॉग बुक अलाउड होती है। तो मैं दोनों तरीकों से सिखा दूंगा, उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स लॉगरिथम से रिलेटेड बनाऊंगा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल में कोई भी एक नंबर हम लोग ले लेते हैं x, कोई भी हम लोग एक x नंबर ले लेते हैं और उस x का हम लोग लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग x, मान लो कोई भी एक नंबर, कोई भी एक डिजिट हम लोग ले लेते हैं 7 1 9 6 2 0 9। अब ये एक नंबर है 7 1 9 6 2 0 9, इसका लॉगरिथम हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर इसमें कहीं पे भी डेसिमल प्लेस नहीं है, 7 1 9 6 2 0 9 ये मैंने रैंडम नंबर अपने दिमाग से कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 7 1 9 6 2 0 9, अब इसमें कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 7 1 9 6 2 0 9 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट जीरो होगा। अब मैं एक एक करके डेसिमल पॉइंट को धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। तो ये 7 1 9 6 2 0 9 7 1 9 6 2 0 9 7 1 9 6 0 9, मैं क्या कर रहा हूँ एक एक करके इस डेसिमल पॉइंट को धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ।
0.7196209 अभी तक के सिर्फ क्वेश्चन लिखा, आंसर सॉल्व करना बाकी है, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड, और एक डेसिमल लगा देते हैं 0.07196209। अभी चलता लॉग कैसे ढूंढना है। लॉग में हमेशा हमेशा दो पोर्शन होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक मेंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल, तो 7 डिजिट्स माइनस 1 काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स माइनस 1 तो ये देगा 6, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 6। ये 6 आगे चल के एंटी लॉग में बहुत काम आएगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारा 6। इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल है, ये दूसरा क्वेश्चन है 719620.9। अब बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट्स हैं तो हम लोग लिखेंगे 5 पॉइंट। अब इसमें बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं तो हम लोग लिखेंगे 4 पॉइंट। अब इसमें बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, बिफोर डेसिमल 4 डिजिट्स, बिफोर डेसिमल 4 डिजिट्स तो हम लोग लिखेंगे 3 पॉइंट। अब ये बिफोर डेसिमल 3 डिजिट 719, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स तो हम लोग लिखेंगे 2 पॉइंट, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट, डेसिमल से पहले 1 डिजिट तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट। 2 डिजिट्स हो तो 1 पॉइंट और 1 डिजिट हो तो 0 पॉइंट, लेकिन अगर डेसिमल से पहले 0 हो तो हम लोग लिखेंगे यहां पे बार 1। अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि बार 1 और माइनस 1 में क्या फर्क है, बार 1 और माइनस 1 एक ही बात नहीं होगी, बार 1 अलग अलग होता है, माइनस 1 अलग होता है। तो अगर डेसिमल के पहले 1 0 है तो बार 1, अगर डेसिमल के पहले भी 1 0 है और बाद में भी 1 0 है तो बार 2, डेसिमल से पहले 1 0 डेसिमल के बाद 1 0 हम लोग लिखेंगे बार 2। तो मैं ऐसे काउंट करता हूं, बार 1 0 मतलब बार 1, 2 0 1 0 लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड, 1 0 डेसिमल के राइट साइड, 2 0 मतलब बार 2। अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन हो गया। अब मेंटिसा, मेंटिसा के भी बहुत रूल्स हैं, मेंटिसा के रूल्स क्या होते हैं, मेंटिसा इज सीन फ्रॉम लॉग बुक, अभी हम लोगों को लॉग बुक काम आएगी, मेंटिसा इज सीन या सर्च फ्रॉम लॉग बुक, लॉग बुक में हम लोग मेंटिसा ढूंढेंगे, लॉग बुक में हम मेंटिसा ढूंढेंगे, कहां से देखते हैं, मेंटिसा इज सीन फ्रॉम अ नंबर, ये थोड़ा टिपिकल रूल है, फ्रॉम अ नंबर विच इज नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो नंबर से मेंटिसा स्टार्ट होता है। इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मेंटिसा कैसे देखते हैं, मेंटिसा स्टार्ट होता है नॉन जीरो नंबर से, वो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लॉग जो है 7196209, इतने डिजिट्स का लॉग होता ही नहीं है। लॉग जो होता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब पे, और ये जो लॉग बुक है इसको भी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का इसका लिंक मैं दे दूंगा लॉग बुक का, तो आप लॉग बुक देख सकते हो। तो अच्छी तरह आप जूम करके देखना, अभी तो दिखेगा नहीं कैमरा में, पर आप जूम करके देखना। तो लॉग हम लोग देखेंगे 71 का 9 में और 6 में। अब जो ये मैं बोल रहा हूँ 71 का 9 में और 6 में, उसके लिए आपके पास ये दो पेजेस होने चाहिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम लॉगरिथम, और इसके पीछे वाले दो पेजेस पे लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। तो ये जो पहले वाले दो लॉगरिथम वाले पेज हैं वो आपको खोलने पड़ेंगे। लॉगरिथम में जो पहला नंबर होता है वो 10 से शुरू होता है, लॉग पहला जो नंबर होता है यहाँ पे आप मार्जिन में देखोगे तो 10 से शुरू होता है और लास्ट होता है 99, और आप एंटी लॉग वाला पेज देखोगे तो एंटी लॉग वाला पेज शुरू होता है 00 से और लास्ट नंबर होता है 99, मतलब लॉगरिथम शुरू ही 10 से होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसका लॉग होता ही नहीं है,
लॉग शुरू ही 10 से होता है, 10 से लेकर 99 तक। अब एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग शुरू होता है 00 से लेकर 99 तक। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और एंटी लॉग वाले पेजेस को, इमेजेस को, या ये बुक आपसे, आपको कहीं से मिले, स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी, कोई भी बुक स्टोर से मिल जाएगी बुक, तो एंटी लॉग में ये 00 नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आगे एक डेसिमल पॉइंट है, 0.00 से लेकर 0.99 तक। उसका भी एक बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है कि ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, वो एंटी लॉग में आएगा। फिलहाल हम लॉग शुरू करेंगे 71 का 96। अब ऐसे क्यों बोलते हैं 71 का 96, ये लॉग बुक है, 71 यहाँ पे आएगा, 71 का 96। तो पहले 71 का 9 में मैं डैश लगा देता हूँ और 6, 71 का 9 और 6, तो ये है 8567, ये है 8567, 71 का 9 में 8567 और पीछे 6 में है 4, पीछे 6, ये जो पीछे वाले नंबर्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मीन डिफरेंस। क्या लिखा हुआ होता है? मीन डिफरेंस। तो पहले 71 के सामने 9 देखेंगे, तो यहाँ पे 71 के सामने 9 में देखेंगे तो वो लॉग है 8567, वो मैंने लिखा है 8567, और पीछे मीन डिफरेंस 6 में, पीछे मीन डिफरेंस उसी लाइन में, उसी लाइन में पीछे मीन डिफरेंस 6 में एक नंबर दिया हुआ है 4, तो ये 4 हम ऐड कर देंगे 8567 प्लस 4, तो हो जाएगा 8571, ये आ जाएगा 8571, मतलब हमारा जो लॉग हुआ वो होगा 8571। अब आप सब लोगों का डाउट क्या होगा कि सर 209 का क्या करेंगे, 209 का कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, 209 हमारे काम का नहीं है। अब अगर यहाँ पे नंबर ये जो 2 है, इस 2 की जगह पे नंबर 01234 हो, अगर इस 2 की जगह पे जो नंबर है वो 01234 है तो ये जो 6 है वो 6 ही रहेगा, और अगर ये जो 2 है इस 2 की जगह पे, एक मिनट अगर ये जो टू है इस टू की जगह पे 01234 हो तो जो 6 है वो 6 ही रहेगा, और अगर इस 2 की जगह पे मान लो 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, इस 2 की जगह पे 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम इस 6 को कट करके एक नंबर बढ़ा देंगे, 7 कर देंगे, जैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी नंबर 5th प्लेस पे, ये जो 2 है यहाँ पे, जो 2 की जगह पे कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम इस 6 को कट करके 7 कर देंगे। फिर हम लोग मीन डिफरेंस देखेंगे 71 का 9 में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और अगर इस 2 की जगह पे नंबर हो 01234 तो ये 6 का 6 ही रहेगा। कहने का मतलब है जैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं वैसे है। तो मैंने 71 का 96 में लॉग देखा, 71 का 9 में आया 8567 और मीन डिफरेंस 6 में, मैंने मीन डिफरेंस 6 में देखा तो 4 आया, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 8571 आया। ये 8571 जो है ये हमारा मेंटिस है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटिसा। फिर यहाँ पे हम लोग लॉग देखेंगे 71 का 96 में, सेम यहाँ पे भी वही 71 का 96, यहाँ पे भी वही 71 का 96, तो 71 का 96 मतलब आप लॉग बुक में जब आप लॉग बुक में जाओगे तो 71 के सामने 9 में और 6 में आप इस तरीके से नंबर्स ढूंढोगे कि 71 के सामने 9 में कौन सा नंबर है और 6 में कौन सा नंबर है। तो एक नंबर आया 8571 का 9 है, तो 71 का 9 में नंबर आया 8567 और मीन डिफरेंस 6 में कितना था 4, तो ये हमने प्लस कर दिया तो ये आया 8571। अब यहाँ पे भी 71 का 96 में 8571, यहाँ पे भी 71 का 96 में 8571, यहाँ पे भी 71 का 96 में 8571, यहाँ पे भी 71 का 96 में, यहाँ पे भी हम 71 का 96 में ही देखेंगे 8571। कहने का मतलब है सबका मेंटिसा सेम ही आएगा 8571, 71 का 96 में 8571, 71 का 96 8571। अब सीखने जैसे है, अगर पॉइंट के आगे 0 है तो 0 का तो लॉग होता ही नहीं है, लॉग मेंटिसा स्टार्ट्स कॉमन,
नॉन जीरो नंबर, मेंटिसा जो है वो एक नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होता है। तो अगर ये जीरो है, अगर पहले प्लेस पे जीरो है तो उसको इग्नोर करो, तो ये हो जाएगा 71 का 96। अब 71 का 96 आप लॉग बुक में देखोगे तो 71 का 96 में मेंटिसा है 8571, यहाँ पे भी 71 का 96 में मेंटिसा आएगा 8571, यहाँ पे भी दो जीरो है। अगर दो जीरो है तो लॉग शुरू मेंटिसा शुरू नॉन जीरो नंबर से होता है, तो इन दोनों जीरो को इग्नोर करो, तो 71 का 96 में 8571। कहने का मतलब है इन सब का मेंटिसा 8571 सेम आएगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल से पहले 7 डिजिट्स हैं, तो 7 - 1 6। यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 2 3 4 5 6, डेसिमल से पहले 6 प्लेसेस हैं, तो हम लिखेंगे 5 5 3, मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा 5। जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसमें से एक कम, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर मेंटिसा के लिए लॉग बुक चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एंटी लॉग निकालने सिखाऊंगा, एंटी लॉग के रूल्स भी बताऊंगा और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिखाऊंगा।